हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट, डेटा एंड द टेक्निकल एनालिस्ट चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऐसे चार एसेट क्लासेस को जिसको यूज़ किया जाता है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। इसके बाद हम लोग ऐसे पाँच ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में चीज़ों को बाय और सेल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐसे डेटा हैंडलिंग इश्यूज़ के बारे में जो कि एक टेक्निकल एनालिस्ट फेस कर सकता है और वो कंपनीज भी फेस कर सकती हैं जो कि आपको चार्ट प्रोवाइड करती हैं। सो यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऐसी चार मेजर एसेट क्लासेस को जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि स्टॉक्स में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी ये चीज़ करी जा सकती है क्योंकि बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, सो वहाँ पे भी ये टेक्निकल एनालिसिस करना पॉसिबल है। थर्ड एसेट क्लास हमारा कमोडिटी है। कमोडिटी में हार्ड या फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मेटल की बात करें तो उसमें गोल्ड, सिल्वर आ जाता है। अगर हम नॉर्मल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बात करें तो उसमें आ जाती है हमारा वीट और रागी, ये सारी चीज़ों में भी ट्रेडिंग होती है। तो ये भी चीज़ ऐसी है जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, राइट। इसके बाद दोस्तों करेंसीज भी एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है और जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। यहाँ करेंसी के अंदर आजकल क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जिसमें आप ये टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चार ब्रॉड कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऐसे पांच ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिसका आप यूज़ कर सकते हो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। ये कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इक्विटीज़। हम इक्विटीज़ में शेयर्स को खरीदने के लिए कैश पूरा डिपॉजिट करते हैं और जब हम पूरा का पूरा कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें शेयर्स की डिलीवरी मिल जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। फिर आता है हमारा दोस्तों फ्यूचर्स मार्केट, जो कि एक लेवरेज मार्केट है, एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। और वहीं पे अगर हम ऑप्शंस की भी बात करें तो ऑप्शंस भी एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है और ये दोनों बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हेजिंग के लिए और एक इन्वेस्टर इसको अपना रिस्क कम करने के लिए यूज़ करता है। लेकिन स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, और जब भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो उस प्राइस फ्लक्चुएशन से जो हमारे ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये दोनों लेवरेज इंस्ट्रूमेंट हैं आपके। चौथा है दोस्तों इंडेक्स, इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, यहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है और इंडेक्सेस में दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ही यूज करके ट्रेडिंग करी जाती है। और फिफ्थ नंबर पे आते हैं हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड, ETFs और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम REIT बोलते हैं, REIT। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे अभी इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन नहीं समझाई है। अभी मैंने आपको ये नहीं समझाया कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, इन सारी चीज़ों को एक सेपरेट चैप्टर में कवर किया गया है, इसी वजह से मैं इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, कैसे मार्केट डेटा को शो किया जाता है हमारे जैसे टेक्निकल एनालिस्ट लोगों को, ये जो डेटा वेंडर कंपनीज होती हैं ये कैसे डेटा को हैंडल करती हैं। तो दोस्तों जब पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी हमारी दुनिया, तब क्या होता था, तब लोग मैनुअली डेटा को रिकॉर्ड करते थे और उस समय रिपोर्टिंग एरर्स आ जाते थे, जैसे प्राइस स्पाइक्स होते थे हमारे चार्ट्स के ऊपर, कभी कभी रिपोर्टिंग सही नहीं हो पाती थी, उस वजह से डेटा भी क्लीन नहीं हो पाता था, तो प्राइस जो है वो सही तरीके से दिख नहीं पाता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये सारे जो एरर्स हैं ये एकदम मिनिमाइज हो गए हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में कैश मार्केट की बात करें या स्पॉट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब मैं बात करता हूँ फ्यूचर्स मार्केट की, जहाँ पे हर महीने एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, अगर आपको वहाँ पे एक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके, तो फिर वहाँ पे ये डेटा फिल्टर्स वाले एरर आ सकते हैं, रिपोर्टिंग एरर्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है आपका डेटा वेंडर और आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या एरर आ सकता है डेटा रिपोर्टिंग के अंदर। अब दोस्तों कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट खुलने के पहले होते हैं, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि मार्केट बंद होने के बाद किए जाते हैं। तो आप लोगों को बल्क एंड ब्लॉक डील्स के बारे में पता होगा। तो मार्केट खुलने से पहले एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है 5 से 7 मिनट का, जहाँ पे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो दोस्तों वो जो ट्रेडिंग हो रही है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के द्वारा, क्या उसको आपके चार्ट के ऊपर दिखाया जाता है? अगर दिखाया जाता है तो कैसे दिखाया जाता है? क्या उसका वॉल्यूम आपको दिखाया जाता है? यही सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ शो करी जाती है तो कैसे शो करी जाती है, ये सारे मेथड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बस अवेयर होना चाहिए। तो बिहाइंड द सीन्स काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आपको लेट ट्रेड्स का तो डेटा डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, और ये जो अर्ली ट्रेड्स का डेटा है इसको आप NSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप बल्क एंड ब्लॉक डील्स पे जाओगे तो ये अर्ली और लेट ट्रेड्स की आपको अच्छी डिटेल मिल जाएगी। सो ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में, फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल करके भी पूछ सकते हो आप। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल स्टॉक बनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।